अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, घर बैठे आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे सस्ता तरीन वीज़ा है, 3 घंटे के अंदर अंदर आपको ऑनलाइन वीज़ा मिल जाएगा। और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए और पाकिस्तान से सबसे चीपेस्ट फ्लाइट किस तरह हासिल कर सकते हैं इस कंट्री की, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी तो फ्रेंड, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ये एक ऐसा कंट्री है जिसका वीज़ा बहुत सस्ता है, बहुत जल्दी आपको वीज़ा मिल जाता है। इस कंट्री का वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छा है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों को बहुत वीज़े इसने जारी किए हैं। इस कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट है। आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और होटल बुकिंग होनी चाहिए, वो भी रिजर्व कंफर्म नहीं। ये रिक्वायरमेंट है जो अगर आप पूरा करते हैं और इनको सेंड करते हैं तो इंशाल्लाह ताला 100% आपको वीज़ा मिल जाएगा। वो कंट्री है अजरबैजान। अजरबैजान का वीज़ा आप ऑनलाइन 3 घंटे के अंदर अंदर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसकी जो वीज़ा फीस है सिर्फ $27 इसकी वीज़ा फीस है। अगर पाकिस्तान में बात करें तो 4,500 रुपये में आपको वीज़ा घर पर मिल जाएगा। वीज़ा किस तरह अप्लाई करते हैं और वीज़े की जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह सेंड करते हैं, टिकट आप किस तरह बुक कर सकते हैं, इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो हमारे चैनल टीच वीज़ा पर मौजूद है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो जाके आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आप खुद अजरबैजान का वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे, तमाम रिक्वायरमेंट सेंड कर सकेंगे और कम पैसों में फ्लाइट टिकट भी आप बुक कर सकेंगे बिल्कुल ऑनलाइन अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से। अजरबैजान एक यूरोपियन कंट्री है और काफ़ी अच्छी करेंसी है इसकी। अगर पाकिस्तानी रुपीस में बात करें तो ये तकरीबन 100 रुपया बनता है एक मनात को। अजरबैजान का तो पाकिस्तान में 100 रुपया बनता है, तो करेंसी के लिहाज से भी ये मुल्क काफ़ी अच्छा है। वीज़ा रेशो भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तानियों के लिए। वीज़ा अप्लाई आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, सिर्फ $27 में आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और पाकिस्तान से इसकी जो फ्लाइट है वो भी आपको बहुत कम पैसों में मिल जाएगी। अगर आप कम पैसों में फ्लाइट बुक करना चाहते हैं तो आपको एक मैं ट्रिक बताता हूं कि आप 15 से 20 दिन पहले टिकट बुक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप काफ़ी कम पैसों में टिकट बुक कर सकेंगे। अजरबैजान में अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करें तो पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पर रहती है। काम के मौके इतने वहाँ पर नहीं मिलते, बहुत कम चांसेस हैं कि आप वहाँ पर काम कर सकें, जाके आपको काम मिल जाए। काफ़ी बड़ी तादाद स्टूडेंट की मौजूद है वहाँ पर, स्टडी पे जाते हैं लोग और स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के बाद वहाँ से फिर किसी यूरोपियन कंट्री का या फिर किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं अजरबैजान से। क्योंकि आपको मालूम है पाकिस्तान की निस्बत अगर आप किसी दूसरी कंट्री से वीज़ा अप्लाई करते हैं लाइक कतर, UAE, अजरबैजान, मलेशिया, तुर्की से, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपके वीज़े लगने के पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।